तो हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको यह बताने वाले हैं हमारे सनातन धर्म के 10 सबसे अधिक शक्तिशाली राक्षसों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे घंटे को भी बजा दे, जिससे हमारे सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और मित्रों, यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मित्रों, मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड एवं बड़े भाई के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वह गेमिंग से बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं। आपसे ये निवेदन है कि कृपया उनके चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर ले। उनके यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मित्रों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं 10 सबसे अधिक शक्तिशाली दानवों के बारे में बताने वाला हूँ, परंतु सभी राक्षसों को इस श्रेणी में लाना बड़ा ही कठिन है, इसीलिए यह पार्ट 1 है। इसका जल्द पार्ट 2 भी आएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। नंबर 10 के स्थान पे है महाबली कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावण का ही छोटा भाई था। कुंभकर्ण बहुत अधिक विशाल काय दानव था। कुंभकर्ण के शरीर में अपार बल था। महाबली कुंभकर्ण ने रामायण युद्ध में श्री राम की सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी। कुंभकर्ण ने लक्ष्मण, श्री राम, हनुमान एवं सुग्रीव जैसे शक्तिशाली महान योद्धाओं के साथ डटकर युद्ध भी किया था। स्वयं भगवान श्री राम ने ही कुंभकर्ण का वध किया था। कुंभकर्ण अत्यंत शक्तिशाली था। उसके पास अस्त्र शस्त्र एवं दिव्यास्त्रों की भी कमी नहीं थी। महाबली कुंभकर्ण ने भगवान श्री राम को भी कायदे के युद्ध में टक्कर दी थी और अंत में वह श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया था। नंबर 9 के स्थान पे है अति मायावी योद्धा मेघनाथ। मेघनाथ मंदोदरी एवं महाबली रावण का पुत्र था। मेघनाथ जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली एवं पराक्रमी था। महामायावी योद्धा मेघनाथ को भगवान शिव से तामसी माया का वरदान प्राप्त हुआ था। वे बादल में अदृश्य हो जाया करता था। मेघनाथ ने अपने नागपाश का उपयोग कर भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण जी को बांध दिया था और शक्ति बाण का उपयोग कर लक्ष्मण जी को मूर्छित भी कर दिया था। मेघनाथ के पास तामसी माया सहित ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, पाशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र भी थे। स्वयं ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को ब्रह्मशीर अस्त्र का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में दिया था। मेघनाथ धनुर्विद्या, दिव्य अस्त्र, मायावी शक्तियाँ, बल, बुद्धि सभी में परिपूर्ण योद्धा था। भगवान श्री राम ने भी ये कहा था, रावण से अधिक कठिन मेघनाथ का वध करना है। नंबर 8 के स्थान पे है शूरवीर रावण। रावण त्रेता युग का महाप्रतापी योद्धाओं में से एक था। महावीर रावण ने अपने बाहुबल से स्वयं कैलाश पर्वत उठाया था। रावण महाशिव भक्त होने के साथ साथ अत्यंत शक्तिशाली एवं पराक्रमी था। रावण की चंद्रहास तलवार का सामना किसी आम योद्धा के लिए वह मृत्यु के ही समान था। उसकी चंद्रहास तलवार बड़ी शक्तिशाली थी। रावण को भी अनेकों मायावी अस्त्रों एवं दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। शूरवीर रावण के 10 सिर होने के कारण उसे दशानन के नाम से भी जाना जाता था। रावण ने लक्ष्मण जी के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध कर 2 बार उन पे हावी हो गया था। श्री राम के साथ निरंतर महायुद्ध करते वक्त 7 दिनों तक श्री राम का सामना उसने किया था और अंत में भगवान राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया था। रावण शक्तिशाली होने के साथ साथ अत्यंत बुद्धिमान भी था। रावण ने ही शिव तांडव श्लोक लिखा था। नंबर 7 के स्थान पे है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष अति बलवान एवं शक्तिशाली था। वे इतना बलवान योद्धा था कि उसने स्वयं पृथ्वी को उठाकर ब्रह्मांडीय आकाश गंगा में फेंक दिया था। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा था और वराह अवतार लेने के बाद भी हिरण्याक्ष के साथ उनका कई वर्षों तक युद्ध चला था। उसके पश्चात वे उसको मार पाए थे। नंबर 6 पे है जलंधर। जलंधर का जन्म तब हुआ था जब भगवान शिव की तीसरी आग की अग्नि आकाशीय महासागर से टकरा गई थी। भागवत पुराण के अनुसार जलंधर को शिव पुत्र भी कहा जाता है। जलंधर का पराक्रम बहुत अधिक था। जलंधर का कौशल त्रिदेवों के समान माना जाता था। वे इतना अधिक शक्तिशाली था कि जब भगवान विष्णु ने उस पे अपनी कौमोदकी गदा चलाई थी तो भगवान विष्णु की कौमोदकी गदा को भी उसने सह लिया था। जलंधर ने अग्नि देव, इंद्र देव, वायु देव,
जैसे सभी देवों को परास्त कर भौतिक संसार पे कब्जा कर लिया था। अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के घमंड में जलंधर ने कैलाश पर्वत पर भी आक्रमण कर दिया था, जहां उसका भगवान शिव के साथ भीषण संग्राम हुआ था। जलंधर और भगवान शिव के युद्ध में जलंधर को मृत्यु प्राप्त हुई थी। नंबर 5 के स्थान पे है शुंभ निशुंभ। शुंभ निशुंभ अत्यंत शक्तिशाली वीर थे। उन दोनों ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्षों तक अन्न जल का त्याग करके बड़ी कठोर तपस्या की थी। जब भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए थे, तब शुंभ निशुंभ ने उनसे कहा था, आप हमें अमरता का वरदान दीजिए। परंतु ब्रह्मा जी ने यह वरदान देने से उनको मना कर दिया था। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा, पुरुष जाति वाला कोई भी व्यक्ति हमारा वध ना कर सके। उन दोनों वीरों को यह लगा था कि स्त्री जाति में ऐसा कौन है जो कि उनका सामना कर सकता है। वे दोनों किसी भी स्त्री से नहीं डरते थे। उन दोनों को ऐसा वरदान मिलकर वे दोनों ने पूरे संसार में हाहाकार मचा रखा था। शुंभ का वध देवी काली ने किया था और निशुंभ का वध देवी चंडिका ने किया था। इन दोनों के संपूर्ण पराक्रम पे हम आने वाले कुछ दिनों में एक वीडियो अवश्य लेकर आएंगे। नंबर 4 के स्थान पे है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की बड़ी कठोर तपस्या कर उनसे एक बड़ा ही विचित्र एवं जटिल वरदान मांगा था। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मांगा, उसका वध ना किसी देव के द्वारा हो, ना गंधर्व, ना नर जाति और ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से हो। कोई क्रोध में भरा हुआ ऋषि भी उसे श्राप न दे सके। सूर्य चंद्रमा दशों दिशाएं अग्नि वायु जल क्रोध काम अहंकार वे सबका स्वामी बन जाए। जी के लिए भी इस वरदान को देना एक असाधारण बात थी, परंतु उन्होंने ये वरदान हिरण्यकश्यप को दे दिया था। समय के अंत में आते आते हिरण्यकश्यप बड़ा ही बलवान हो गया और वो देवताओं से भी अपने आप को ऊपर समझने लगा। इसीलिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर उसका वध कर दिया था। भक्त प्रहलाद की प्राणों की रक्षा भी की थी। नंबर 3 के स्थान पे है महिषासुर। महिषासुर अत्यंत पराक्रमी तथा महावीरों में शक्तिशाली था। महिषासुर ने 3 लोकों पर विजय प्राप्त की थी। महिषासुर ने भगवान इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर आदि देवताओं को पराजित कर उनकी शक्तियां भी उनसे छीन ली थी। महिषासुर के आतंक से परेशान होकर त्रिदेवों एवं सभी देवों ने अपनी ऊर्जा एकत्रित की और इसके पश्चात देवी अंबिका का जन्म हुआ। देवी अंबिका ने अपनी शक्तियों से महाशक्तिशाली महापराक्रमी महिषासुर का वध कर दिया था। नंबर 2 के स्थान पर है तारकासुर। तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली एवं पराक्रमियों में सर्वश्रेष्ठ था। तारकासुर ने कई बार देवों, गंधर्वों, मकरों आदि सभी को पराजित किया था। तारकासुर के ऊपर तो स्वयं भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी विफल हो गया था। भगवान ब्रह्मा से तारकासुर को उससे अधिक बलवान ना होने का वरदान प्राप्त हुआ था और यह वरदान भी प्राप्त हुआ था, तारकासुर की मृत्यु उसी के हाथों होगी जो भगवान शिव से उत्पन्न होगा। तारकासुर के वध हेतु ही भगवान कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था और भगवान कार्तिकेय जी के साथ तारकासुर का बड़ा ही विनाशकारी युद्ध हुआ था, जिसमें तारकासुर ने भगवान कार्तिकेय जी को बड़ी ही खतरनाक टक्कर दी थी, परंतु अंत में तारकासुर भगवान कार्तिकेय जी के द्वारा मारा गया था। भगवान कार्तिकेय जी को भी संपूर्ण शक्ति लगानी पड़ी थी तारकासुर का वध करने के लिए। नंबर 1 के स्थान पे है सर्वशक्तिमान भंडासुर। भंडासुर भगवान शिव से वरदान स्वरूप उसने यह मांगा था, जिसके साथ उसका युद्ध हो उसकी आदि शक्ति भंडासुर में समा जाए। भंडासुर के वध हेतु ही देवी ललिता का जन्म हुआ था। देवी ललिता एवं भंडासुर के मध्य एक महाविनाशकारक युद्ध हुआ था, जिसमें भंडासुर ने 10 ऐसे अस्त्रों का उपयोग किया था जिससे रावण, कुंभकर्ण, कार्तवीर, अर्जुन, राजा बलि, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप समेत अनेकों दानव जो कि महाशक्तिशाली थे, उनका उपयोग देवी ललिता के विरुद्ध कर दिया। परंतु देवी ललिता ने भी अपने हाथों के 10 नाखूनों से भगवान विष्णु के दशाह अवतार को प्रकट कर दिया, जिसमें भगवान कृष्ण, राम, परशुराम, वराह, कुम्भ आदि सभी अवतार थे। युद्ध के अंत में देवी ललिता ने महाकामेश्वर अस्त्र नाम के महाशक्तिशाली अस्त्र से भंडासुर का वध कर दिया था।
तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में घंटी को बजा दें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।